हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी के एल टेगरी। कैसे हो आप सभी? तो देखिए फ्रेंड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे आप एम्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स यानी क्री एम्स, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन हमको जो है कई दिनों से देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था फ्रेंड, कि आपका कुछ ही दिनों में जो है मैं डाउट क्लियर कर दूंगा कि ये जो नोटिफिकेशन है, जो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि कई दिनों से वायरल हो रहा है, ये नोटिफिकेशन आपका फेक है या रियल है। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हम जो है कुछ दिन का जो है इंतज़ार करेंगे और फिर जो है हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये फेक है या फिर रियल है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है आपका 4 या 5 दिनों से वायरल हो रहा है और अब हमको ये पता चल चुका है कि आपका जो ये नोटिफिकेशन है या ये फेक है या फिर रियल है। तो विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड कि ये जो नोटिफिकेशन आपका ये फेक है या फिर रियल है। और जिस तरह से हर वीडियो में आपको बार बार बोला जाता है, आपसे कहा जाता है कि हर बिग अपडेट पाने के लिए, हर न्यू अपडेट पाने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। ऐसा इसलिए कहा जाता है फ्रेंड ताकि आने वाली हर इनकमिंग अपडेट, हर न्यू अपडेट आप तक समय रहते पहुंच सके और आपसे मिस ना हो। यदि आप ओल्ड कैंडिडेट हो तो आपको पता भी होगा कि जो पिछली बार क्री रिक्वायरमेंट यानी क्री का फुल नोटिफिकेशन 2023 में जारी हुआ था, तो हर अपडेट हमने आपको समय रहते दी थी, चाहे एग्जाम डेट की बात हो, चाहे एडमिट कार्ड की बात हो, चाहे सिलेबस की बात हो, एग्जाम पैटर्न की बात हो, या फिर क्लासेस की बात हो, या फिर फ्रेंड ज्वाइनिंग की बात हो, किसी भी तरह की यानी हर तरह की अपडेट जो है फ्रेंड हमने आपको समय रहते दी, चाहे फॉर्म फिलअप की बात हो, हर तरह की अपडेट हमने आपको समय रहते दी थी और इस बार भी हम आपको हर अपडेट जो है समय रहते देंगे। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए फ्रेंड, आइए चलते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन की सच्चाई पर। क्या है सच्चाई कि ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि बहुत दिनों से वायरल हो रहा है, ये नोटिफिकेशन आपका फेक है या रियल है? तो आइए जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये है आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन, ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ तक मैंने इसकी जांच पड़ताल की और कई एक्सपर्ट से बात की, तो जहाँ तक पहले हमको ये लग रहा था कि ये नोटिफिकेशन रियल है, लेकिन फ्रेंड ये नोटिफिकेशन आपका रियल नहीं है, ये फेक नोटिफिकेशन है। मैं आपको बता देता हूँ किस आधार पर मैं आपको ये कह रहा हूँ, तो आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आप ध्यान से देखिए, ये जो 4 है यानी 2024 ये 4 है, ये हमको सबसे अलग दिख रहा है, ये डिफरेंट दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड दूसरी बात मुझे इसमें क्या लगी, तो ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, डेटेड 13 जुलाई 2024, तो यहाँ भी जो 4 है ये भी जो है डिफरेंट जो है इन सभी से दिख रहा है। और फ्रेंड तीसरी बात मुझे क्या लगी, स्टार्ट डेट और क्लोज डेट, आपने अक्सर देखा है कि एम्स जब भी फॉर्म निकालता है, चाहे क्लर्क की बात हो या फिर फ्रेंड किसी भी रिक्वायरमेंट की बात हो, या फिर क्री नोटिफिकेशन की ही बात कर लीजिए, आप रिक्वायरमेंट की बात कर लीजिए, तो जो आपका नोटिफिकेशन 2023 में जारी हुआ था उसमें जो है यानी, और भी यदि मैं नोटिफिकेशन की बात करूं फ्रेंड, और भी अन्य भर्ती की यदि मैं बात करूं एम्स की, तो एम्स जो है आपने देखा भी होगा, यदि आप ओल्ड कैंडिडेट हो तो आप सभी को पता होगा कि इसमें आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट 24 जुलाई 2024, क्लोज डेट 31 अगस्त 2024। तो एम्स जो है इतना टाइम फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं देता है, एम्स जो है फॉर्म फिलअप करने का जो टाइम देता है वो सिर्फ 15 या 20 दिन ही देता है, लेकिन इसमें जो है 24 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक जो है टाइम जो है दिखा रखा है। और जो अब आपको जो मेजर पॉइंट मैं दिखाने वाला हूँ, यानी कि टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो इसे, ये देखने के बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल ही फेक है। तो आइए जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोटिस नंबर 189/2023, तो आप इसे ध्यान से एक बार देखिएगा और आप ये आप देख सकते हैं नोटिस नंबर 189/2023, तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। और अभी का ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि वायरल हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और ये भी आप नंबर आप नोट कर लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए, ये भी 189/2024, जो कि मैं आपको दिखा रहा बता रहा हूँ, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 4 है वो सबसे डिफरेंट दिख रहा है। तो फ्रेंड ये जो
नोटिफिकेशन है बिल्कुल फेक है। और बात रही कंप्लीट कंफर्मेशन की, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 23 जुलाई या फिर 24 जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी ने एडिट करके जो है इसरो शॉर्ट नोटिफिकेशन को बनाया है। और अब जो है 23 जुलाई 24 जुलाई में ज़्यादा समय नहीं है, 18 जुलाई आज हो चुकी है। और यदि मैं 100% कंफर्मेशन की बात करूं तो ये भी कंफर्मेशन आपको हो जाएगा 23 जुलाई या 24 जुलाई को, हमको ये पता चल जाएगा कि ये नोटिफिकेशन रियल है या फिर फेक है। तो फ्रेंड जो मोटा मोटी जो पॉइंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये फेक है। और यदि ये नोटिफिकेशन रियल होता है तो इसका भी इंतज़ार हम जो है 23 जुलाई या 24 जुलाई तक कर लेंगे, क्योंकि 18 जुलाई आज हो चुकी है, 23 जुलाई या 24 जुलाई में ज़्यादा समय नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है और मैंने जो ये आपको कुछ प्रूफ दिखाए तो इससे बिल्कुल ये साफ होता है, साबित होता है कि ये नोटिफिकेशन फेक है। और बात करूँ इसके रियल होने की तो आप 24 जुलाई तक का वेट कर लीजिए, और उससे ये और भी अच्छा जो है क्लियर हो जाएगा कि ये नोटिफिकेशन फेक है या रियल है। तो फ्रेंड ये थी इसके फेक या रियल होने की कुछ एक छोटी सी अपडेट। यदि अब भी आपकी कुछ अन्य क्वेरी है, आपको जानना है, पूछना है, और हाँ फ्रेंड आपको हर तरह की अपडेट जो है हमारे द्वारा समय रहते दी जाती है, इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। और कई बच्चों के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि सर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 में जो फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट है वो जो है किस इंस्टीट्यूट का चलेगा और उसकी वैलिडिटी क्या कुछ रहती है, कैसा वो सर्टिफिकेट दिखता है। तो आपको जो है हर अपडेट इससे रिलेटेड दी जाएगी, तो आप वेट कीजिए उस वीडियो का। और हर तरह की अपडेट आपको दी भी जाती है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात हो, किसी भी भर्ती की बात हो, इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट अपडेट के साथ, एक बिग अपडेट के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।